पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एमडी प्रशासन को गांगन किनारे बनी दो फैक्ट्रियों लोहिया ब्रास और डिजाइन को बिना मानचित्र पास कराए काफी निर्माण मिला है। एमडीए द्वारा संबंधित निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था, जिसमें प्रबंधन को एक माह के भीतर अवैध निर्माण को स्वतः तोड़ने को लेकर की गई समय सीमा समाप्त होने पर एमडीए प्रशासन अब उसे 6 मई को खुद बुलडोजर से ध्वस्त करेगा। इसे लेकर एमडीए की टीम ने अवैध निर्माण वाले क्षेत्र को खाली कराने के लिए अनाउंसमेंट कराया है। शहर के गांगन नदी किनारे कुछ फैक्ट्रियां बनी हैं। इन फैक्ट्रियों के द्वारा कुछ निर्माण स्वीकृत मानचित्र से अलग किया गया है। एमडीए प्रशासन ने संबंधित निर्माण को अवैध बताते हुए उसे ध्वस्त करने का आदेश 23 मार्च 2024 को दिया था, जिसमें एक माह के भीतर अवैध निर्माण को स्वतः ध्वस्त करने का भी समय दिया गया, जिसके बाद लोहिया ब्रास की ओर से कुछ निर्माण को स्वतः ध्वस्त करने के बाद उसकी सूचना एमडीए प्रशासन को दी गई। एमडीए टीम ने सर्वे कराया था, लेकिन स्थिति साफ नहीं होने पर बाढ़ खंड एमडीए और राजस्व विभाग की टीम ने गांगा नदी क्षेत्र और उसके आसपास बनी फैक्ट्रियों के क्षेत्र की पैमाइश की थी, जिसमें दोनों फैक्ट्रियों में स्वीकृत मानचित्र से अवैध निर्माण पाया गया। एमडीए प्रशासन अब इन फैक्ट्रियों के अवैध निर्माण को स्वयं 6 मई को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। सुनो सुनो सुनो, लोहिया ब्रास और डिजाइन को कंपनी द्वारा इस बाउंड्री वाल के भीतर तमाम औद्योगिक निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र किए गए हैं, जिसके विरुद्ध विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 23 मार्च 2024 पारित किए गए हैं। नियमानुसार आदेश के एक माह के भीतर स्वयं ध्वस्त करने म्याद खत्म हो चुकी है। इस फैक्ट्री परिसर के भीतर अवैध निर्माण को सोमवार दिनांक 6 मई 2024 से गिराया जाना शुरू किया जाएगा। अतः आपको इस बुनियादी के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि ध्वस्त किए जाने वाले परिसर को अविलंब खाली कर दें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा गिराए जाने पर आपको होने वाली किसी प्रकार की क्षति के लिए प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।